एक तो ये कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस मुल्क में नहीं चलेगा। आर्यन कम्युनलिज्म को पसंद नहीं करते, ये नई टर्म दे रहा हूँ, देखिए आर्यन कम्युनलिज्म। तो बीजेपी जितना हिंदू मुस्लिम करेगी उतना नुकसान होगा। FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक बच्ची जो मेडल लिए हुए है, जिसने देश का नाम ऊंचा किया है, जो इंटरनेशनल फोरम पे तिरंगा लहरा के आई है, जो गौरव है देश का, वो बच्ची कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ और इस आदमी ने किया, और उस पर FIR दर्ज नहीं होती। तब्दीली आई और इस तब्दीली को रोकना किसी मोजिजे के बगैर मुमकिन। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा कर्नाटक के चुनाव की, क्योंकि एग्ज़िट पोल आ गए हैं, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। बात ये नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, बात ये है कि चुनाव कैसा हुआ और उसका इम्पैक्ट आने वाले जो चुनाव हैं उन पर कैसा होगा, और 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति कैसी होगी। क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में प्रयोग किया गया हिंदुत्व का, खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बाकी आपने देखा कि चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन हो, वहाँ बजरंगबली हो, यक्षा सिविल कोड हो, या उससे पहले हिजाब, जो एक माहौल तैयार किया गया था टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़, जिस तरह से वहाँ पे बातें की गई, बहरहाल ये तमाम चीज़ें थीं जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वाकई बीजेपी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, एक ऐसी प्रयोगशाला जिसमें ये देखा जा सके कि क्या 2024 का जो चुनाव है वो इसी पैटर्न पे लड़ा जाएगा या कोई और रास्ता तलाश किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के पास कोई और रास्ता है नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे सियासी तजिया निगार जनाब तस्लीम रहमानी साहब से। मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब कि जिस तरीके का चुनाव हुआ है कर्नाटक में, क्या लग रहा है आपको कि ये कैसा चुनाव था? एग्जिट पोल आ गए हैं, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत वाजह है, मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज़्यादा समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर से लफ्ज़ों में कहें तो हिंदुत्व वर्सेस सेकुलरिज्म बहुत ओपन इलेक्शन था। बिल्कुल, और शायद 2014 के बाद से इतना ज़्यादा ओपनली हिंदुत्व और सेकुलरिज्म हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। और इससे ये साबित हो रहा है कि हिंदुत्व को इस मुल्क का आवाम बाय एंड लार्ज पसंद नहीं कर रहा। अरे मैं ये बात सिर्फ कर्नाटक के पसमंजर में नहीं कहता। जी जी, आप अगर गौर करें इस मुल्क के इंतखाबात को पढ़ें तो 2014 के इंतखाब का नतीजा पढ़ लें या 2019 के इंतखाब का नतीजा पढ़ लें, तो जितना बड़ा हिंदुत्व का कैंपेन है, जितना बड़ा, बहुत बड़ा कैंपेन बना के पेश करते हैं। 2019 में 100 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर था। बिल्कुल, 65% के करीब पोलिंग हुआ तो 65 करोड़ लोगों ने तो वोट किया ना। जी जी। और उसमें से 35 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने वोट नहीं किया, हम तो यही मानेंगे कि वो भी वो हिंदुत्व के खिलाफ थे। बिल्कुल, अगर हिंदुत्व के हामी होते तो जाके वोट करते। बिल्कुल, तो 35 करोड़ तो वो जिन्होंने वोट नहीं किया, और 23 करोड़ यानी 23 करोड़ से कम, 22 करोड़ 90 लाख वोट बीजेपी को मिला। 100 करोड़ वोटर्स में से 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट किया। इसका मतलब वो हिंदुत्व का कैंपेन जो RSS के भी पहले 200 साल से चल रहा है, 200 साल की तहरीक, इतना बड़ा कैंपेन, इतना पैसा, इतना मीडिया, सब मिलाने के बाद सिर्फ 22% भारत के लोगों को इम्पैक्ट कर सका। कहा जाता है मुल्क में 100 करोड़ हिंदू है, तो वो 100 करोड़ हिंदुओं में से 60 करोड़ तो वोटर है ना, वो भी तो उन्होंने क्यों, उनमें से भी 22 करोड़। इसका मतलब बहुत सीधा है कि एक टैक्टिकल वोटिंग के जरिए, एक इलेक्टोरल टैक्टिक्स को यूज करके बीजेपी 22 करोड़ वोटर पे 333 सीटें ले लेती है, लेकिन वो हिंदुत्व को मैंडेट नहीं है। और वो मैंडेट अब जाहिर हो रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर आके आपके कर्नाटक में, कि हिंदुत्व को मैंडेट इस मुल्क में कभी दिया ही नहीं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ब्राह्मण, किसान, मजदूर सब शामिल हैं। सबने मिलके हिंदुत्व को हमेशा रिजेक्ट किया है
और कर्नाटक का इलेक्शन का रिजल्ट अगर इसी लाइन पे आया और जिसका यकीन है कि आएगा जो एग्जिट पोल है, तो बहुत साफ बात है कि आपने हिंदुत्व और वर्सेस सेकुलरिज्म पहली बार अगर खुल के हो रहा है। आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का कैंपेन कर्नाटक में, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं 60 पेज का मैनिफेस्टो है, 60 सफात पे अवाम के डेवलपमेंट एंड कंपोजिट कल्चर की बात करके ये कहा कि हम वो जो एक नैरेटिव है नफरत का हम उसको डिस्करेज करेंगे, ये कहा कांग्रेस ने। और बीजेपी रिजर्वेशन के लिए भी कहा कि हम 4% वो ऑलरेडी था, उसको बहाल करने की बात करनी ही थी, कोई भी नेचुरल सेकुलर फोर्स होगी तो वो यही बात करेगी, वो बहुत ऑब्वियस था। लेकिन बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा हमको मुसलमानों का एक वोट भी नहीं चाहिए, पहले तो यही कहा, फिर उन्होंने कहा कि साहब वो ये जो 4% रिजर्वेशन था ये गैर कानूनी था, ये तुष्टीकरण था। और फिर हिजाब का आपने जिक्र किया, वो पहले से ही चला आ रहा था। आप इदारों में से मुसलमानों की छटनी की और उसके बाद आपने ब्लेसफेमी को कमिट किया, वहां बार बार कमिट करते रहे, आप उसे प्रमोट करते रहे। कम्युनल राइट्स के बारे में खुद अमित शाह जी ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो यहाँ पर जो है, और उसके बाद बजरंग बली के इशू पे गैर कानूनी है, मैं साफ कह रहा हूँ कि एक सियासी जलसे में एक इंतहाबी रैली में मुल्क का वजीर आजम जो 140-142 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, वो एक मजहबी नारा वहां जाके लगाए, ये वाकई जो है एक बड़ा, ये तो बड़ा शर्मनाक है। शरद पवार ने कहा कि मुझे हैरत है कि पीएम जाकर के ऐसी बातें, पीएम कर देखिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है वो एक अलग किस्सा है, लेकिन अभी आपका जो हैसियत सबसे ज्यादा नुमाया है वो मुल्क के वजीर आजम की, आप भले पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं लेकिन है वजीर आजम, तो एक वजीर आजम जिसका मंत्र था सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास, तो खोखला नारा साबित हो गया। जिस दिन आपने बजरंग बली की जय का नारा वहां लगा, भाई आप मंदिर में लगाए नारा, आपका एहतिकाद है तो लगाए, जय बजरंग बली का नारा लगा के वोट कीजिएगा, उससे पहले उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की, उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की बजरंग बली की जैसे, और उसके बाद ये कहा कि बजरंग बली का आप बटन दबा के और वोट करें, ये दोनों बातें हुई। तो एक सियासी पार्टी का लीडर कोई भी अकीदा रख सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो अपने अकीदे के मुताबिक जो नारा लगाना चाहता है अपने समूह में खड़े होकर लगाए, ठीक है, वो बजरंग बली के भक्त है तो बजरंग बली का नारा वो अपने मंदिर में खड़े होकर लगाए, अपने घर के किसी भी समारोह में खड़े। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में जहां पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 बहुत खुले तौर पर ये बात कहता है वाजे लफ्जों में कि सियासी जलसों में या सियासी पार्टियों में मजहब का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां वजीर आजम खड़े होकर ये नारा लगा रहे हों तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, इस मुल्क के आवाम के लिए शर्म की बात है कि मेरा वजीर आजम कानून क्यों नहीं कुछ बोलता, क्या क्यों? एक जमाना था कहा जाता था सीबीआई का वो पैरट है ना लेकिन अब बीजेपी की सरकार में आने के बाद से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस इदारे वो पैरट बन गए हैं, सब तकरीबन सभी बन गए। आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को इस पर लेना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था, अगले ही दिन कर तो दुनिया के हर टेलीविजन चैनल ने उसको दिखाया, पहली इलेक्शन कमीशन ने आके थोड़ा ही बंद कर रखी थी, उन्होंने भी देखा, उनको कहना चाहिए था। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी जिसपे अब सीबीआई का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, दुनिया देख रही है, ऐसा थोड़ी है कि बाकी सब लोगों के अंदर से समझदारी और इंटेलिजेंस खत्म हो गया। आप ईडी का इस्तेमाल कितना सिलेक्टिवली कर रहे हैं कि एक शख्स जो कर्नाटक में एमएलए है और मिनिस्टर है वो उसके घर से कैश बरामद हो रहा है और वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, उसको मिल जाती है, वहां ईडी नहीं जाती, और जिसका कुछ बरामद ही नहीं हुआ उसको जेल भेज देते, शुबे की बुनियाद पे। यानी अभी यहाँ पर किसान ये पहलवान बैठे हैं, एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, एक बच्ची जो मेडल लिए हुए है, जिसने देश का नाम ऊंचा किया है, जो इंटरनेशनल फोरम पे तिरंगा लहरा के आई है, जो गौरव है देश का, वो बच्ची कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ और इस आदमी ने किया, और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती इसलिए कि वो बीजेपी का एमपी है। ये जो बाहुबली ये इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज है ना,
पार्लियामेंट्री और नहीं, और एफआईआर जब हो जाती है तो अरेस्टिंग नहीं होती। एफआईआर होती है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे। बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इसके खिलाफ एफआईआर करो, और फिर एफआईआर हो जाती है तो गिरफ्तार नहीं होता। या ऐसे दसियों केस हैं कि जिस पे एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के थाने में दे दी और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर भी नहीं है। बिना एफआईआर के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, सैकड़ों लोग इस मुल्क में जो बिना एफआईआर के गिरफ्तार किए गए, एफआईआर बाद में गिरफ्तारी पहले, या एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस का डिके है जो इस सरकार में हम देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर जिस तरीके का हिंदुत्व का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया और एक ऑरा बनाने की कोशिश की गई, पीएम जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए, चेहरा बने, क्या लग रहा है कि अगर वहाँ हार होती है जैसा कि एग्जिट पोल आया, तो ये कुछ अपना रास्ता बदलेंगे या क्या होगा हिंदुत्व? देखिए, मुझे रास्ता बदलते तो लगते नहीं, इसलिए कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। होता तो कर्नाटक में जरूर इस्तेमाल करते। कर्नाटक में करप्शन के चार्जेस 40% की कट का, और फिर डबल वो एजुकेशनल हब था, एजुकेशनल हब नहीं रहा, बहुत सारे मसाइल थे जिनका कोई जवाब पार्टी के पास नहीं था। तो हिंदू मुस्लिम रोज बरोज एग्रेशन होता गया हिंदू मुस्लिम में। अब जो नतीजा आएगा, इसके नतीजे में दो बातें बहुत वाजे हैं। एक तो ये कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस मुल्क में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत वाजे है, बहुत वाजे है, जितना करेंगे, और इनके पास कुछ और है नहीं। दूसरा है कि वजीर आजम की मुट्ठी खुल गई, 30 से ज्यादा रैलीज की हैं वजीर आजम ने, और पूरी नेशनल लीडरशिप के 3 चेहरे, यानी अमित शाह हो गए और फिर नड्डा जी हो गए और वजीर आजम, यही 3 लोग कैंपेन में थे। स्टेट लीडरशिप कैंपेन में नहीं आई, दिखाई नहीं दी, कहीं नहीं दिखाई दी। कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप भी चल रही थी, इनके पास कोई नहीं, तो नेशनल लीडरशिप नहीं जीता पाई इलेक्शन। ये मुट्ठी जो वजीर आजम को कहा जाता है सबसे बड़े वोट कैचर हैं, करिश्माई लीडर हैं, जो अमित शाह को कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं राजनीति के और सब, ये मुट्ठी खुल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्नाटक साउथ की स्टेट है, 5 स्टेट्स हैं साउथ में, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। उनका जो माइंडसेट है वो हिंदी बेल्ट से थोड़ा डिफरेंट है, वो कम्युनलिज्म को पसंद नहीं करते, ये हिस्ट्री है, और उसका रीजन भी है, और बड़ा दिलचस्प रीजन है। यहाँ हिंदी बेल्ट में आर्यंस रहते हैं ज्यादा, और आर्यंस ने मार के द्रविड़स को भगाया था, और द्रविड़स भाग के कहाँ गए थे, साउथ में गए थे। तो साउथ में जो मूलवासी भारतीय हैं द्रविड़ियंस, वो रहते हैं, और वो इस कम्युनलिज्म, आर्यन कम्युनलिज्म को पसंद नहीं करते। नए नई टर्म दे रहा हूं, देखिए, आर्यन कम्युनलिज्म, आर्यंस ने कभी अपनी सुपरमेसी को लेके कंप्रोमाइज नहीं किया, हमेशा खुद को सुपरमेसिस्ट समझा और दूसरे लोगों को गुलाम समझा, और उनको सर पे चोटियां रख के उनको मारा, जो बच के भागे वो साउथ इंडिया में जाके बसे। तो वो द्रविड़ियंस वो कभी पसंद नहीं करते कम्युनलिज्म। बट ये जो हिंदी बेल्ट है, या आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ है, बिहार है एक किसी हद तक, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कुछ इम्पैक्ट होता है यकीनन, वो अब भी होगा, और ये कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ नहीं हो रहा, 5 स्टेट में चलो सीटें कम हैं और यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर वो इम्पैक्ट डाल के देखें। लेकिन मसला ये है कि जहाँ हिंदी बेल्ट पर इसका इम्पैक्ट होने का इम्कान है, वहाँ तो ऑलरेडी आपका सैचुरेशन है। उत्तर प्रदेश में आप 80 में से 65 सीटें जीते हुए ऑलरेडी है, आप गुजरात की 26 की 26 सीटें जीते हुए, आप 25 की 25 राजस्थान की सीटें जीते हुए, आप महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें जीते हुए, आप इससे ज्यादा सैचुरेशन नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब ओबीसी मुस्लिम लाएंगे, दे आप जो भी लाओ, ओबीसी मुस्लिम कहाँ है, वो यहाँ पर भी जो है कह रहे थे 10% वोट कर्नाटक में मिलेगा, 2% रह गया, जो आंकड़े बता रहे हैं 2% रह गया, और अभी निकाय चुनाव हो रहे हैं यूपी में, कल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, 14,500 में से 300 के करीब कुछ टिकट मुसलमानों को ओबीसी को दिए हैं, कितने जीतते हैं तो परसों पता चल जाएगा, 13 तारीख को वो भी मुट्ठी खुल जाएगी मुस्लिम ओबीसी की। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहे जितना एग्रेशन हिंदू मुस्लिम में नॉर्थ इंडिया में कर लें, साउथ में तो चलेगा नहीं, ये तो तय हो गया, नॉर्थ इंडिया में चलता रहा है, अभी फिर चला लीजिए, तो जहां आप चला रहे हैं वहां तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं भाई, राजस्थान में 25 सीटें तो 26 थोड़ी हो जाएंगी,
25 ही रहेंगे ना, वो आप ऑलरेडी जीते हुए, बढ़ाएंगे कहां से आप। और जहां तक बिहार का ताल्लुक है, आप एनडीए में थे तब आपने 16 सीटें बिहार में जीती थी, अब बीजेपी से अलग हो गई है उस पार्ट से, नीतीश कुमार अलग हो गए, वहां जीतने का आपने 18 बंगाल में जीती थी, ममता बनर्जी ने वहां, आप चिल्लाते रहे दीदी वो दीदी 16 मई दीदी गई, बहुत चिल्लाए आप, वो पहले से ज्यादा सीटें जीत के आ गई। तो अब मुझे बताइए कि आप 18 सीटें बंगाल से जीत के आए थे, 18 सीट कहाँ से जीतेंगे आप। तो ये अभी जो 41 सीटें जीते हुए हैं आप महाराष्ट्र में, कहाँ से जीतेंगे अब आप 41। अब आप वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उन्होंने भी एकनाथ शिंदे की गर्दन पे तलवार लटका दी, तो आप कैसे जीत लेंगे। आप वो कर्नाटक में जहां पर आपने 28 में 27 जीती थी, अब वो आप कैसे जीतेंगे, ये बड़ा मसला है। इसलिए मुझे ये लगता है बहुत वाजे तौर पर, आप अगर इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो बीजेपी जितना हिंदू मुस्लिम करेगी उतना नुकसान होगा। और 2024 तो रास्ता क्या है फिर इसके अलावा उनके पास, क्योंकि देखिए 3-4 बड़े मसले उठ गए हैं। पुलवामा जो है एक सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ, लोग ये कह रहे हैं डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि क्या पुलवामा दब जाएगा? अभी तो पुलवामा जैसी कोई चीज होने के मुझे आसार लगते नहीं, और अगर किया तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और बेहुर्मती हमारी आर्मी की ये सरकार जो करती रही है इससे बड़ी नहीं हो सकती। पुलवामा पे इतने सवालात खड़े हो चुके हैं, और अब तो गवर्नर साहब ने इल्जाम लगा दिए, जो कश्मीर के गवर्नर थे उन्होंने लगा दिए, खुद वो लोग जो पुलवामा के इफेक्टेड लोग हैं उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। और अगर जैसे ये पहलवान बैठे हैं, ये भी तो बीजेपी के ही समर्थक लोग थे, अगर पुलवामा के विक्टिम्स यहाँ आके बैठ गए तो कहाँ जाएंगे? तो कोई रास्ता नहीं है बीजेपी के पास। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजों से बीजेपी को अभी कोई फायदा होने वाला। नहीं तो ऐसे में तो फिर हिंदुत्व जो है वो और ज्यादा इसका मतलब वो बढ़ाएंगे। नहीं मुझे नहीं लगता, ये तो एग्रेशन में आएंगे, ये तो बहुत ही एग्रेसिव पोस्टर लेंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता, तो वो एग्रेशन तो ये लेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आखिरी सवाल, मान लीजिए हार जाते हैं कर्नाटक में और पीएम ने अपनी पूरी मुट्ठी खोल दी, क्या सूरत हाल बीजेपी के अंदर बनेगी? मेरा ख्याल है बीजेपी के अंदर बेचैनी पैदा होगी। बीजेपी का जो रैंक एंड फाइल है उसमें हब्स बहुत है, सफोकेशन बहुत है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बीजेपी में सुनी जाती है और किसी की सुनी नहीं जाती। तो ये जब मुट्ठी खुलेगी, वजीर आजम की भी मुट्ठी खुलेगी और हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल होगा, तो जो बीजेपी में लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप, स्टेट में भी खासतौर पर यूपी जैसी जगहों पर ये लीडरशिप मुखर होकर सामने आएगी, आरएसएस की लीडरशिप सामने आएगी। तो मेरा ख्याल है कि तब्दीलियों का एक चेन है जो 13 मई के बाद देखने को मुल्क को मिलेगा। एक और अभी जब साउथ का जिक्र हुआ तो केरला का जिक्र आया, तो उस पर भी मैं बात कर लूँ, क्योंकि पीएम ने उसका भी जिक्र कर्नाटक में आखिर में आके कर ही दिया था, द केरला स्टोरी। क्या लग रहा है, क्या इस तरीके की चीज का कोई भाई वहां पर तो कोई जानते ही नहीं इन चीजों को ना, वो लोग इलेक्शन में मसरूफ थे, वो फिल्म कहाँ देख रहे हैं, तो इसलिए उसका तो इम्पैक्ट होना ही। लेकिन वजीर आजम को कम से कम ये चाहिए कि वो इतनी छोटी सतह पे तो ना उतरे ना, फैक्ट के तौर पे मतलब 32,000 की बात करके 3 पे आप अटक गए, 3 भी आप सबूत है, वहां तो लोगों ने कहा 1 करोड़ रुपया देंगे जो आके साबित कर दे, कोई गया नहीं है ना। तो अब लेकिन वजीर लेकिन अगर ऐसी चीजें रखा, हमने भी एक बार सवाल उठाया था न्यूज 18 पे, मैं गया था कि अगर इतना वाकई है तो हमारी जो 32,000 तो आईएसआईएस का पूरा का पूरा फ्री नहीं है, वही तो कह रहे हैं 22,000 है नहीं, और फिर हमारी एजेंसीज कहाँ थी, ये भी एक सवाल है। नहीं नहीं लेकिन वो झूठ है। देखिए एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी यशवीन, जहां यशवीन और हादिया के केस में बहुत पॉपुलर केस था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एनआईए जांच करे लव जिहाद के बारे में, और उसने पूरी जांच करके सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि कोई लव जिहाद का वहां पे केस नहीं है। तो ये तो एनआईए की रिपोर्ट है भाई, किसी के घर की रिपोर्ट नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल करते हुए यशवीन और हादिया को रिलीफ दिया था, और उसको कहा था कि इन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। तो ये स्टोरीज इस किस्म की चलाना, मैंने ये बात कही थी कि जहाँ 20% एंड अबव मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ को लेके इस किस्म की फिल्में आगे भी आएंगी, जैसे बंगाल फाइल्स, जैसे बिहार फाइल, जैसे यूपी फाइल है ना, जैसे कश्मीर की आ चुकी है, केरल की आई, तो ये 20% से ज़्यादा वाली स्टेट में डेमोग्राफी चेंज करने, नफरत पैदा करने के लिए इस किस्म की फिल्में बनाई जा रही हैं, और ये बाकायदा मंसूबा बंद तरीके से बन रही हैं। लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए भाई, ही इज़ नॉट अ मार्केटिंग एजेंसी ऑफ द हेट फिल्म्स।
तो वो ऐसे बिहेव करेंगे, कश्मीर फाइल को अपने घर में बैठ के प्रमोट करेंगे, कर्नाटक की इलेक्शन रैली में केरल स्टोरीज को प्रमोट करेंगे। दिस इज नॉट डन बाय अ प्राइम मिनिस्टर। 24 बहुत दूर है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा, ताकि लोगों को याद रहे और बाद में हम इस पे बात भी करें, क्या लग रहा है, तब्दीली मुमकिन है नहीं मुमकिन? दूर है मेरे नजदीक, नहीं दूर नहीं है, अब एक साल भी नहीं बचा है। तब्दीली लाजमी लगती है, तब्दीली आएगी, और इस तब्दीली को रोकना किसी मोजज़े के बगैर मुमकिन नहीं है। और मोजज़े अब कहाँ होते हैं, जादूगर हैं? नहीं, ये तो एक परसेप्शन है, झूठा परसेप्शन है, जादूगर। मैं नहीं मानता। जैसे देखिए, अमित शाह को चाणक्य माना जाता है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि आप मुझे मुल्क की स्ट्रेटेजी उठा के मुझे दे दीजिए। इलेक्शन नहीं जीत सकती बीजेपी, 200 से ऊपर जा नहीं सकती, 200 के नीचे नीचे रहेगी, तय है बिल्कुल। मैं पूरे यकीन, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रेटेजी, सवाल यह है कि जो जीतना चाहता है वो उसमें कितना दम है जीतने का। वो अगर जीतना ही नहीं चाहता है तो आप नहीं जिता सकते। लेकिन अब तो कांग्रेस जीतना चाहती है। अब देखिए, कांग्रेस ने जीतना चाहा तो जीत रही है, हिमाचल में जीतना चाहा जीत रही है। अगर आप जीतना ही नहीं चाहते तो जबरदस्ती कोई आपको नहीं जिता सकता। तो अब जीतना चाहती है, अब जीतना चाहती है। तो बहरहाल, ये थे डॉक्टर तस्कीन रहमानी साहब। इन्होंने कहा कि अगर जीतने पर आ जाए तो जीता जा सकता है और बदलाव यकीनी है। बहरहाल, ये एक बात इन्होंने कही है, इसको रिकॉर्ड में हम रख रहे हैं, क्योंकि फिर हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अब क्या माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।